Hello friends, Jain and welcome to this special session of Contemporary Thrust, which is powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. The cornerstone of today's Contemporary Thrust session will be the newly released report, the recent released report on status of leopard, which is actually released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change by its responsible minister, Mr. Prakash Javedekar. The entire status has been extensively discussed in this report, and we will be talking about the report. We will discuss the entire report. As you can see in the cover, this is the cover of newly released report, which is titled Status of Leopards in India 2018. It is titled 2018 because it is the report card of that particular time period, but it is released in the year 2020. So it is titled 2018, and we will be discussing the entire कंसेप्ट द एंटायर रिपोर्ट द हाईलाइट्स ऑफ द एंटायर रिपोर्ट जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण हो वो उस सबको व्यापक तरीके से उसको देखने का प्रयास करेंगे. तो शुरू करते हैं. देखिए सबसे प्रथम अगर हमें लेपर्ड देखना है तो अगर लेपर्ड शब्द की बात करें तो यह दो शब्दों से बना है. एक है लियो और एक है पार्डस. और यह एक ओल्ड फ्रेंच भाषा से उतरा हुआ शब्द है. यह हमें याद रखना है. इट इज एक्चुअली ए वर्ड ऑफ ए ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज जिसमें दो शब्दों से बनाया हुआ एक एकीकृत शब्द हमारे पास है. लियो यानी कि लायन, यानी कि बिग कैट कह लीजिए. और यह लियो जो है वो भी एल ई ओ एन से उतरा हुआ है. और यह जो पार्डस है यह फैमिली है, स्पीस फैमिली कह लीजिए. ठीक है, तो यहां से पूरा का पूरा शब्द जो है वो उतर कर आया है और आज हमारे जो है लोकमानस की जो जबान है उसके ऊपर चढ़ गया है. इसे हिंदी में तेंदुआ भी कहते हैं. और अगर हम ब्रिटिश भारत से यह तेंदुए का इतिहास देखें तो बहुत ही भारी मात्रा में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये बसते थे, बहुत ही भारी मात्रा में. मगर आगे जाकर ह्यूमन इंटरफियरेंस प्लस इन लोगों की आप कह लीजिए इन लोगों का शिकार होना, निरंतर शिकार होना, निरंतर शिकार में वृद्धि, जिसने यह पूरी प्रजाति के यह पूरी प्रजाति की संख्या को खतरे में लाकर खड़ा कर दिया. और आज सिर्फ 12 या 13 हज़ार तेंदुए ही बचे हैं, जो कि एक समय पर 6-7 लाख हुआ करते थे. और मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश इंडिया की. मगर आफ्टर दैट देर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स एज वी नो. तो उन लोगों के जो सब राजा थे, जो सब कुंवर थे, वे लोग एक्सटेंसिवली हंटिंग एक्टिविटी करते थे. प्लस जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो हंटिंग के शौकीन थे. और यहाँ भारत में जो हमारे जो वन्य संसाधन है उसको जो है डिग्रेड करने की प्रक्रिया में जिम्मेदार है. तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज यह पूरी की जो प्रजाति है वह एक वल्नरेबल की लिस्ट में आ गई है, वह एक एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गई है. अगर इसका साइंटिफिक नेम देखने का प्रयास करें तो इसे पैंथेरा पार्डस फुस्का के नाम से हम लोग जान सकते हैं. इट इज अ साइंटिफिक नेम एंड लेपर्ड इज अ कॉमन नेम. तो ये हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी, हमारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा महत्वपूर्ण है. आगे अगर देखें तो जैसे मैंने बताया कि भारत में कई प्रकार की बिल्लियां मिलती है. ये भी एक प्रकार की बिल्ली ही है मगर थोड़ी रिलेटिवली छोटी है इन कंपेरिजन टू लायन और टाइगर, मगर बिल्ली तो है. जैसे हमने बात की कि भारत में लायन मिलते हैं, टाइगर मिलते हैं, लेपर्ड्स मिलते हैं, चित्ता नहीं है. हाल के समय में भारत में एक भी चित्ता मौजूद नहीं है वर्ल्ड में. दे मे बी इन अ कैप्टिविटी बट वन्य आप कह लीजिए अगर संख्या देखें तो देर इज जीरो. और इन लोगों की बस्ती को रिस्टोर करने की भी बात चल रही है. अफ्रीकन चित्तास को यहाँ लाने की भी बात चल रही है मगर यह सब पाइपलाइन में है. हाल में फिलहाल में देर इज नो चिता. और इसका भी यही कारण है, वी हंटेड देम टिल इट्स एक्सटेंशन. ये लुप्त हो गए तब तक हम उनको मारने लगे हमारी जरूरत के लिए, हमारे शौक के लिए या किसी भी और कारण की वजह से.
तो आज यह परिस्थिति है, उसमें से हम लोग आज हमारा जो नायक है वो है लेपर्ड। पूरे भारतीय महाद्वीप में फैले हुए हैं, पूरे भारतीय महाद्वीप में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कह लीजिए भारत हो, भारत की मुख्य भूमि हो, या उत्तर पूर्व के राज्य हो भारत के, या म्यांमार हो, बर्मा हो, नीचे श्रीलंका हो, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह फैले हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों की तुलना में इनकी वस्ती जो है उसमें भारी गिरावट आई है, फिर भी हमारी सरकारों के द्वारा जो काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में, इन लोगों की, इन लोगों को संरक्षण देने के क्षेत्र में, वो भी बहुत ही अच्छे हुए हैं। इसीलिए आज हमारे पास इन लोगों के आंकड़े जो है वे थोड़े बढ़ करके सामने आए हैं, इन लोगों की वस्ती में हमें इजाफा आज देखने को मिलता है। तो देखेंगे पूरा यह सेशन, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया देखेंगे, और उसके बाद जो स्टेटस है, जो रिपोर्ट है, वो कोर रिपोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उनके उसके जो की फाइंडिंग्स है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक फोटो कॉलेज है जिसमें चार तेंदुए हमें दृश्यमान है, देयर आर फोर लेपर्ड्स वी कैन सी हियर इन ए कॉलेज पिक, जिसमें से सर्वप्रथम जो है वो है इंडियन लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड, इट इज वाइड स्प्रेड, कहीं पर भी जाओ आपको देखने को मिलेंगे, मध्य भारत में भी देखने को मिलेंगे, अगर दक्षिण में जाओ तो पश्चिम घाट व पूर्व घाट में भी देखने को मिलेंगे, अगर थोड़े उत्तर में जाओ तो वहां भी देखने को मिलेंगे। तो दे आर कॉमन इंडियन लेपर्ड्स। दिस लेपर्ड इज स्नो लेपर्ड, यानी कि बर्फ का तेंदुआ, एंड दे यूज टू रिसाइड इन ए वेरी हाई एलिवेशन, वेरी हाई एलिवेशन, अप टू 3,000 to 4,500 meters। यहाँ हमें इन लोगों की जो वस्ती है, यह प्राणी की, यह देखने को मिलती है बहुत ही एक्सटेंसिव मात्रा में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और अलग आप कह लीजिए कुछ बिहार में भी हमें पाए जाते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्नो लेपर्ड है जो कि एक बहुत ही ऊंची एलिवेशन पर अपना जीवन गुजारते हैं। This one, third one is clouded leopard. They reside in the foothills of Himalaya. यह हिमालय की जो तलेटी होती है, जो foothills होते हैं, जहां elevation कम होता है, इससे ये यहां reside करते हैं, और इनका fur भी हम लोग देख सकते हैं, इट इज क्लाउडेड। वेल इन द इंडियन लेपर्ड वी सी ए नॉर्मल रोसेटस, यानी कि गुलाब के फूल जैसे आकार के, गुलाब की जो पंखड़ियां होती है उसके आकार के जो चिन्ह है वो हमें लेपर्ड के पूरे शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं। वही क्लाउडेड लेपर्ड में यह फ्रेगमेंटेशन थोड़ा वाइड हो गया है, इसलिए इसका नाम भी क्लाउडेड ही दिया गया है। प्लस अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन चीता एंड लेपर्ड, विच आर वेरी आइडेंटिकल बाय देयर एक्सटीरियर लुक, अनलेस वी गो क्लोजर टू देम वी डोंट जस्ट सी एनी टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन। तो उसके लिए अगर हमें एक डिस्टिंक्शन देना हो तो हम लोग दे सकते हैं यह फर का ही डिस्टिंक्शन दे सकते हैं, यह टेक्सचर का ही दे सकते हैं। जैसे यहाँ रोजेटस देखते हैं, वैसे ही चीता में बोल्ड सर्कल होते हैं, ब्लैक कलर के बोल्ड, दे आर नॉट लाइक रोसेटस, वे फूलों की पंखड़ियां तरह नहीं होते, दे आर बोल्ड सर्कल्स, ब्लैक स्पॉट्स। तो दिस इज द वन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन चीता एंड लेपर्ड। एंड जो आखिरी है, देखिए यह ब्लैक लेपर्ड है हमारे सामने, यह एक मेलिनोस्टिक वेरिएंट है यही लेपर्ड का, यानी कि इसके शरीर में जो मेलेनिन है वो भरपूर मात्रा में, इसलिए उसका पूरा बदन जो है वो काला है, और इतना मेलेनिन है कि यह टेक्सचर जो है वो नहीं होने देता। ठीक है, इस सब में कम मात्रा में मेलेनिन होगा, देन ओनली हमें उसकी जो क्रीम कलर की स्किन है वो दिखती है थ्रू इट्स टेक्सचर, मगर यहाँ देर इज एब्सेंस ऑफ स्किन, देर इज ओनली ब्लैक कलर, देर आर नो स्पॉट्स,
हालांकि अगर हम थोड़े नजदीक से देखें इनको तो हमें स्पॉट्स दिखने को मिलते हैं, मगर मेलेनिन का जो प्रमाण है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। मेलेनिन हमें मालूम होना चाहिए, हमारे शरीर में एक तत्व होता है, मनुष्य में भी होता है, प्राणियों में भी होता है, जो सूर्य के किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, हमारे बाल जो काले हैं उसका कारण ही, चीफ कारण ही यह मेलेनिन है, द प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन इन द हेयर, दैट्स व्हाई दे आर ब्लैक। और ये लगभग लगभग आज के समय एक ही मिलता है भारत में, इट इज अ वेरी रेयर, एक ही है, पश्चिम घाट के जंगलों में मिलता है। और अगर मैं आपको स्पेसिफिक फॉरेस्ट का नाम बताऊं तो आई थिंक कर्नाटक के काबिनी जंगलों में यह पाया जाता है। यह पूरा का पूरा एक जोड़ा है, इट इज अ कपल, यह मेल है और इसकी जो फीमेल है वो नॉर्मल है, नॉर्मल टेक्सचर वाली है, इज लाइक अदर इंडियन लेपर्ड्स। ठीक है, तो यह एक ही है और काबिनी के कर्नाटक के काबिनी जंगल में रहता है, वहाँ से हमें मिलता है। देखिए, अगर टेक्निकली थोड़ा देखने का प्रयास करें यह पूरे के पूरे लेपर्ड को, तो मेल, फीमेल की अगर बात करें और उसके अगर वेट को देखने का प्रयास करें तो 77 kg अप टू, एंड फीमेल्स आर अप टू 50 kg। ठीक है, ये थोड़ा ही भिन्नता है, यह जेंडर गैप है। अगर यहाँ अफ्रीकन की बात करें, अफ्रीकन लेपर्ड की, तो 100% अफ्रीकन लेपर्ड मेल हो या फीमेल हो, वजन जो है वो ज्यादा ही होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अफ्रीकन तेंदुए है उसमें वयस्क नर का जो वजन है वो 90-100 किलो तक का भी हो सकता है। ठीक है, जो भारत में वो देखने को नहीं मिलता। कई सारे कारण है, हैबिटेट अच्छी है अफ्रीका की, ये भी एक कारण है, वहाँ खाना भरपूर प्रमाण में मिलता है, ये भी एक कारण है, जो कि भारत के संदर्भ में इसकी हैबिटेट थोड़ी कम है, अच्छी गुणवत्ता वाली है, प्लस इसका जो शिकार है उसकी संख्या भी सीमित है, तो इसके कारण इसका जो पूरा आकार है वो ही थोड़ा आप कह लीजिए थोड़ा छोटा है। उसके बाद अगर इसकी एवरेज एज की बात करें तो 12 टू 17 ईयर्स इसकी एवरेज एज रहती है, इसका पूरा जीवन चक्र जो है वो 12 से 17 वर्षों का रहता है। प्लस अगर इसके ब्रीडिंग की बात करें, एक बात समझ लीजिए, यह जो स्पीस है इट इज़ अ वेरी प्रोलिफिक इन देयर ब्रीडिंग, दे ब्रीड फास्ट, एक्चुअली दे ब्रीड ऑल अराउंड द ईयर, ऑल राउंड द ईयर। प्लस इसका गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भधारण का समय, देन इट इज 85 to 95 days, 85 to 95 days यानी कि 3 महीनों में इसका जो गर्भ है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और जो मादा है वो जन्म के लिए, जन्म देने के लिए तैयार हो जाएगी। एंड एवरेज दे ब्रीड 2 to 3 लिटल वंस इन एवरी लीटर, 2 से 3 बच्चों का जन्म होगा इन एवरी लीटर। ठीक है, तो दे आर फास्ट ब्रीडिंग स्पीसीज और इसीलिए हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनके बढ़ते आंकड़ों में, जो हमारे सामने यह स्टेटस के जो है संदर्भ में आए हैं, यह स्टेटस के हिसाब से आए हैं हमारे सामने। तो दिस इज टेक्निकल अबाउट लेपर्ड। हमने यह कॉलेज देख ली और टाइप्स ऑफ लेपर्ड की भी बात कर ली, आगे हम लोग यह स्टेटस को देखने का प्रयास करेंगे कि उसकी की फाइंडिंग्स क्या है, प्लस जो स्थिति में सुधार आया वो कैसा है, क्या यह सकारात्मक सुधार है, क्या यह नकारात्मक है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, लेपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है पंथेरा पार्डस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एडेप्टेबल मेंबर ऑफ द फैमिली फेलिडाई। यह फैमिली है यह स्पीस का, और जिसका फर्दर बाइफर्केशन हम लोग आगे देखेंगे, उसके किंगडम तक हम लोग जाएंगे वो देखने के लिए, मगर यहाँ समझना क्या है कि यह मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एडेप्टेबल मेंबर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इसीलिए है क्योंकि एडेप्टेबल है, वो किसी भी परिस्थिति को झड़प से जो है परिस्थिति इसके साथ झड़प से अनुकूलन साध लेता है।
जिसकी वजह से इसका जीवन जो है वो फ्लरिश हो सकता है किसी भी आप कह लीजिए कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेट में यह फ्लरिश हो सकता है. द इंडियन सब स्पीसीज पेंथेरा पार्डस फुस्का इज फाउंड इन ऑल फॉरेस्टेड हैबिटेट्स इन द कंट्री, एब्सेंट ओनली इन द एरिड डेजर्ट एंड अबव द टिम्बर लाइन इन द हिमालया. यस, इंडियन लेपर्ड्स जो है वो सब जगह पर हमें देखने को मिलते हैं सिवाय के एरिड रीजन, यानी कि राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, गुजरात राजस्थान यहाँ तेंदुए है मगर बहुत ही कम मात्रा में है. यहाँ गुजरात में भी शासन में है तेंदुए मगर राजस्थान में तो तेंदुए होने की जो है कोई निश्चितता नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो एरिड रीजन को छोड़कर और हिमालय की जो टिम्बर लाइन है उसको छोड़कर, यानी कि फुट हिल्स में कई कई बार इंडियन लेपर्ड्स दिखाई देते हैं मगर फुट हिल्स के ऊपर जहाँ स्नो लेपर्ड्स का एरिया है, जहाँ उसका उन लोगों का डोमिनेशन है, वहाँ ये इंडियन लेपर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं. माइंड वेल, स्नो लेपर्ड्स जो है वे एक प्रकार के तेंदुए ही है मगर ऐसा कहा जाता है कि 6 मिलियन वर्षों के पहले इसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया था लेपर्ड के फैमिली में से, और इसी की वजह से आज उसका आकार रंग जो है वो साम्यता रखता है लेपर्ड के साथ, नहीं संदेह, मगर उसमें कई सारे फेरफार भी हो गए हैं. इनफैक्ट इंडियन लेपर्ड के मुकाबले इन लोगों की साइज जो है स्नो लेपर्ड की वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है. और क्लाउडेड में भी कुछ ऐसा ही सीन है, दे बिलोंग टू सेम आप कह लीजिए किंगडम, बट आफ्टर दैट उन लोगों की जो स्पीसीज है, सब स्पीसीज है, फैमिली जो है वो थोड़ी भिन्न है, जिसके मुकाबले इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल फीचर्स भी थोड़े भिन्न है. देखेंगे आगे, इन द हिमालयाज देयर आर सिंपेट्रिक, यानी कि एग्जिस्ट इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया विद स्नो लेपर्ड्स पेंथेरा यूनिसिया. यस, हिमालयन रीजन में भी हमें फुट हिल्स पर देखने को मिलते हैं मगर थोड़ी ही मात्रा में देखने को मिलते हैं. जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई में बढ़ोतरी आती जाएगी वैसे वैसे इन लोगों की संख्या में जो है कटौती आ जाएगी. देखते आगे, देर आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स एंड आर नोन टू ग्रोन एट एनुअल रेट ऑफ ओवर 10% फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, यानी कि अच्छी मात्रा में जो प्रजनन कार्य करने वाली यह प्राणी की प्रजाति है जैसा हम लोग कह सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट दैट 48-67% रेंज लॉस फॉर द स्पीसीज इन अफ्रीका एंड 83-87% इन एशिया. स्पीसीज लॉस की बात हुई है जिसमें मैंने कई सारे कारण दी है, जिसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस है या आप कह लीजिए लैक ऑफ इनफ प्रे है, लैक ऑफ इनफ नंबर ऑफ प्रे है, तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से यहाँ संख्या में भारी मात्रा में कटौती हुई है. और ह्यूमन इंटरफियरेंस का मतलब ये नहीं होता कि मनुष्य जो है वह जंगल में घुस गए और हमने उन लोगों के ड्वेलिंग के ऊपर जो है अपना प्रभाव बढ़ाया है, ऐसा नहीं है. हम लोग शिकारी प्रवृत्ति के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ भी जुड़े हुए हैं इनके चमड़े वगैरह की, तो ये सब बातें हैं जो ह्यूमन इंटरफियरेंस के अम्ब्रेला के नीचे आती है. देखते हैं आगे, और जो हमने चीते के बारे में देखा कि चीता आज भारत में नहीं है, तो एक समय था जब एशियन चीता पूरे एशिया में फैला हुआ था, इंक्लूडिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज एक्चुअली हैविंग ए हैंडसम पॉपुलेशन ऑफ चीता एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्रोबेबली इट वॉज अ ब्रिटिश इंडिया, बट आफ्टर देन देर वॉज अ एनॉर्मस ह्यूमन interference, there was enormous human destruction towards the species. So right now there is no single cheetah present in the entire India. The Asian cheetah, they are limited right now up to Iran. After that species has been extincted. तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर हमारी सरकार को प्लस हमारी प्रजा को गंभीर होना होगा. देखिए रिपोर्ट के बारे में अगर देखें तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर has released the status of leopards in India 2018, in the year 2020. Wildlife Institute of India conducts a national tiger assessment every 4 years since 2006. और ये मैं बात आपको बता दूँ कि यह हमारी एजेंसी हो गई जिस एजेंसी के द्वारा यह स्टेटस पूरा कंडक्ट किया जाता है, तो ये हमारे लिए प्रिलिमिनरी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. प्लस
ये जो नेशनल टाइगर असेसमेंट है जो कि 2006 से शुरू हुआ है, इसके तहत ही होता है लेपर्ड का स्टेटस गिनना या लेपर्ड सेंसस कह लीजिए, इसके तहत ही होता है। देयर इज नो सेपरेट इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ लेपर्ड्स, बट दे आर बीन काउंटेड अंडर द नेशनल टाइगर असेसमेंट प्रोग्राम विच स्टार्टेड फ्रॉम 2006 एंड प्रोबेबली इट वॉज फोर्थ एक्सरसाइज। 2006 में हुआ, उसके बाद 2010 में हुआ, उसके बाद 2014 में हुआ और उसके बाद 2018 में हुआ। तो इट इज द फोर्थ रिपोर्ट। थर्ड वॉज इन द ईयर 2014। दिस इज द सीन, हम लोग आगे भी देखेंगे मगर यहाँ मुझे जिक्र करना थोड़ा ठीक लगा। लेपर्ड रिपोर्ट इज अंडरटेकन बीनेथ द अम्ब्रेला रोल ऑफ द टाइगर असेसमेंट, जिसका जिक्र हमने कर दिया। 2018 was the fourth cycle of the exercise, 2014 was the third. The leopard population has been estimated using camera trapping method and special data. Camera trapping method or special data, yani ki distribution. और जो टाइगर के संदर्भ में, टाइगर सेंसस के संदर्भ में जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कैमरा वगैरह का, कैमरा प्लेसिंग पॉइंट पूरे जंगल में खड़े किए हैं, तो उसी का यूज करते हुए, उसी में लेपर्ड्स को ट्रैक करते हुए यह जो गिनती है वो की गई है और एक अनुमान जो है वो हमारे सामने आज हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रखा है। देखते हैं आगे। एरियाज कवर्ड में लेपर्ड अबंडेंस वॉज एस्टिमेटेड एट द स्केल ऑफ फोर मेजर टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप्स। First one is Shivalik Hills and Gangetic Plains. Second one, Central India and Eastern Ghat. Third one will be Western Ghat and fourth one will be Northeastern Hills and Brahmaputra Flood Plains. तो मैं एक बात आपको बता दूं कि Northeastern हमारे state में बहुत ही fragmented population है leopard की, बहुत ही कम मात्रा में, नहीवत है, negligible है, मगर Brahmaputra का जो flood plain है यानी कि Bengal वाला जो area है वहाँ भारी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। सुंदरबन में भी अच्छी खासी मात्रा में लेपर्ड की बस्ती है। ठीक है, तो यह चार मुख्य एरियाज है जहाँ लेपर्ड की बस्ती भारी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आगे देखें तो अगर तथ्यों की बात करें इस रिपोर्ट के, तो उसके मुताबिक 12,852 लेपर्ड्स हैव बीन एस्टिमेटेड इन इंडिया एज ऑफ 2018 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 7,910 इन 2014, तो देर इज अ इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5,000, लिटिल बिट कम 5,000 से, मगर हम लोग एक मोटा मोटा अनुमान जो है वो लगा सकते हैं, ये एक सकारात्मक बात है, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, दे आर हैविंग 3,421 लेपर्ड्स विच इज द हाईएस्ट इन द इंडिया। उसके बाद कर्नाटक एंड महाराष्ट्र फॉलोज विथ 1783 एंड 1690 लेपर्ड्स, दे आर ऑन द रैंक सेकंड एंड रैंक थर्ड। मध्य प्रदेश जिसे सेंट्रल पेन कह सकते हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेपर्ड्स इन द एंटायर इंडिया आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल प्लेन, प्लस कर्नाटका जिसे हम लोग वेस्टर्न घाट कह सकते हैं, और महाराष्ट्र जिसे भी हम लोग पार्शियली वेस्टर्न घाट कह सकते हैं एंड पार्शियली सेंट्रल प्लेन्स कह सकते हैं। तो मेनली लेपर्ड्स आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउदर्न रीजन एज वेल एज इन द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया। बाकी अलग अलग जगहों पर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी फ्रेगमेंटली, बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने जिक्र किया, गुजरात में भी देखने को मिलते हैं लेपर्ड्स, ऐसा नहीं है तेंदुआ गुजरात में भी है, मगर बहुत ही कम मात्रा है। ये 3,000 के सामने वो आप समझ लीजिए 300 होंगे या 250 होंगे। ठीक है, मगर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें सेंट्रल प्लेन्स में देखने को मिलती है, प्लस जैसे हम लोग फर्दर साउथ में जाए तो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और फर्दर साउथ में कर्नाटका में देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट में भी देखने को मिलते हैं लेपर्ड्स, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो लेपर्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन वेस्टर्न घाट लैंडस्केप व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियस एस्टिमेट। यस, जहाँ बाघ का रहठान है वैसे
जंगलों में लेपर्ड की जो वस्ती है या उसकी जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए कई प्रकार के कदम उठाने जो है ज़रूरी होते हैं केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, तो उसी के तहत इसका जो फ़ायदा है वो इनडायरेक्टली लेपर्ड को मिलता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव जो है वो एक ही है, दोनों ही कार्निवोर है, दोनों का जो भोजन है वो भी सेम ही रहता है, दोनों का स्वभाव जो है वो भी सेम रहता है। हालांकि लेपर्ड का स्वभाव जो है वो एक जूलॉजी में एक जो है रुचि का विषय है और एक आश्चर्य करने वाला विषय है, और आज भी कई जूलॉजिस्ट को लेपर्ड जो है वो अपने स्वभाव से अपने वर्तन से आश्चर्यचकित करते आए हैं। हमने कुछ समय पहले वीडियो देखा था जो कि नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें लेपर्ड एक बबून को मार रहा है और ये बबून के छाती पर उसका बच्चा जो है वो भी है, ठीक है। तो बबून को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, मगर उसके बच्चे के साथ वो कडल कर रहा है, वो उसके साथ रमत कर रहा है, उसको हानि नहीं कर रहा है। तो दिस इज ए आप कह लीजिए स्ट्रेंज रिएक्शन या स्ट्रेंज एक्शन बाय लेपर्ड। प्लस एक ऐसा भी वीडियो आई थिंक नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी के द्वारा ही जो है पब्लिश किया गया था, उस वीडियो में लेपर्ड एक छोटे हिरण के बच्चे के साथ खेल रहा है, वो उसे मार नहीं रहा, उसका ध्यान रख रहा है और काफी लंबे समय तक उसका ध्यान रखा, ठीक है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, कई सारे ऐसी प्रतिक्रिया है जो कि लेपर्ड के द्वारा दी जाती है, जो रेयर होती है और जूलॉजिस्ट को भी या वन्य प्राणियों के जो अभ्यास करते हैं उन लोगों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। देखते हैं आगे डिविजन अकॉर्डिंग टू द एरिया में अगर देखें तो हमारे पास एक टेबल है जिसके तहत पूरे भारत में कहाँ कहाँ लेपर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स, जहाँ 1253 लेपर्ड्स आर प्रेजेंट। उसके बाद सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट, जिसमें 8000 प्लस लेपर्ड्स आर प्रेजेंट, उसमें से 3400 के आसपास तो अकेले सेंट्रल प्लेन्स में ही है, यानी कि मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद वेस्टर्न घाट में देर आर टोटल सम टोटल ऑफ 3387, एंड आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लैट प्लेन्स में देर आर ओनली 141, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि गुजरात है या अन्य कोई राज्य है, इसमें 150 से कम तेंदुए होंगे या तेंदुओं की वस्ती होगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि देर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लेपर्ड, मगर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मॉडरेट है। और यहाँ जो हमने एरियाज देखे, यह एरियाज में देर इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेपर्ड्स इन द एंटायर इंडिया। तो ये आंकड़ा में याद रखने हैं, हमारे प्रिलिमिनरी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्लस हमारी मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें यह स्टेटस को एनालाइज करने जैसा कोई सवाल पूछा जाए कि हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट 2020, उसको आप अपने शब्दों में उसका विश्लेषण कीजिए, तो वह विश्लेषण में भी यह बातें जो है वो हमें काम लगती है। देखिए, हमें सबको मालूम है कि एक ही सिलेबस रहता है, जनरल स्टडीज जो है वो एक बड़ा पोर्शन है, बड़ा स्पीयर है, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम भी उसके ऊपर आधारित है और हमारी मेंस एग्जाम भी उसके ऊपर आधारित है। डिफरेंस कहाँ रहता है कि यहाँ आंकड़ों की बात होती है, प्रीलिमिनरी में मैथ द फॉलोइंग दिए जाते हैं या आंकड़े पूछे जाते हैं, और मेंस में नीति पूछी जाती है कि ये जो की फाइंडिंग्स आए हैं यह स्टेटस में से लेपर्ड के, वो क्या दर्शाते हैं, ठीक है, आप अपने शब्दों में विश्लेषण कीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि कंटेंट इज सेम, मगर हमें आंसर जो है वो अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं। प्रीलिमिनरी हो तो उसके हिसाब से पूछे जाते हैं और मेंस हो तो उसके हिसाब से पूछे जाते हैं। तो बेटर यही है कि हम हमारी तैयारी जो है वो एक ही साथ करें। मैं जानता हूँ और मुझे मालूम भी है, जो कई छात्र होते हैं वे पहले सोचते हैं कि हम लोग पहले प्रीलिमिनरी का निपटा दें फिर बाद में मेंस का देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वंस यू क्लियर योर प्रीलिम्स यू विल नॉट गेट टाइम टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स वेरी एक्सटेंसिव। तो बेटर यही है कि हमें शुरुआत से ही प्रिलिमिनरी और मेंस की और इंटरव्यू की साथ में कंबाइंड तैयारी करनी होगी, फिर उसमें से जो पूछा जाए वो हमें उसको देना होगा। सो आई थिंक दैट विल बी ए गुड ऑप्शन। देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ थ्रेट ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस की बात है जिसका जिक्र हमने किया। सबसे प्रथम हैबिटेट लॉस,
हैबिटेट लॉस का जो कारण है वो प्रथम कारण है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में भी अर्बनाइजेशन। डेवलपमेंट में दूसरा कारण हम लोग निकल सकते हैं डिफोरेस्टेशन। जो डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन है जिसके कारण लेपर्ड की वस्ती जो है वो आज खतरे में है। उसके बाद प्रे डिप्लेशन यानी कि शिकार में कमी, या आप कह लीजिए खाने में कमी, तो ये भी एक कारण है इनकी वस्ती में कटौती का, या आप कह लीजिए इनके कद में कटौती का। जैसे हमने देखा कि अफ्रीकन जो काउंटर पार्ट्स होते हैं इसके, वे थोड़े ह्यूज होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेंदुआ ही बड़ा होता है अफ्रीकन, अफ्रीकन कोई भी प्राणी बड़ा होता है। हमारे भारतीय महाद्वीप के प्राणी से आप लायन का एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए टाइगर का एग्जांपल, या आप ज़िब्रा का एग्जांपल ले लीजिए जो कि हर्बीवोरस है, आप एलिफेंट का एग्जांपल ले लीजिए। आप केनिया के एलिफेंट को देखें और भारत के एलिफेंट को देखें, आपको भारत के एलिफेंट कुपोषित लगेंगे, माल नरिश्ड लगेंगे, एज लाइक अवर चिल्ड्रन आर, ठीक है। तो ये सब बातें जो है उसमें यही कारण है। वहाँ हैबिटेट बहुत ही तगड़ी है पूरे अफ्रीका में, क्योंकि देर इज़ अ वेरी माइल्ड डेवलपमेंट, देर इज़ अ वेरी स्लो डेवलपमेंट। तो डिफोरेस्टेशन नहीं हुआ है, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, लॉट ऑफ प्रे अवेलेबल इन द अफ्रीकन जंगल्स। कई सारे आप कह लीजिए हर्बीवोरस एनिमल्स है जो अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में, जिसके ऊपर निर्भर यह बिल्लियाँ रहती है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन, ये होगा अर्बनाइजेशन होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। दिस इज द एक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन टू द अपर मेंशन्ड एक्शन, ठीक है। तो कई सारे ऐसे कारण है जिसमें, जिस कारणों के मध्य में मानव है, मानव की गतिविधियां है, मानव की आर्थिक गतिविधियां है। आगे देखें तो पॉसिबली ह्यूमन इंड्यूस्ड 75-90% ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन इन द लास्ट 120-200 ईयर्स। पिछले 100-200 वर्षों में हमने तेंदुओं की 75-90% तक की जो वस्ती थी उसको खत्म कर दिया है। तो दिस इज द बिग रीजन। उसके बाद एक सब कॉन्टिनेंट पोचिंग, आप कह लीजिए पोचिंग यानी कि शिकार प्रवृत्ति ही हम लोग कह सकते हैं, उसमें भी एक होता है शौक के लिए, और दूसरी जो शिकार प्रवृत्ति होती है वो होती है आर्थिक, आप कह लीजिए फायदे के लिए। तो दोनों प्रकार के पोचिंग अल्टीमेटली दे आर रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ द एंटायर स्पीसीज। दोनों प्रकार की पोचिंग एक्टिविटी का परिणाम एक ही होता है कि यह प्रजाति के आंकड़ों में, यह प्रजाति की वस्ती में भारी गिरावट, जो कि पूरे फूड चेन को खतरे में डाल सकती है। और इसी तरह ही आप कह लीजिए हमारी जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग खतरे में डाल रहे हैं। यह एक दो स्पीस की बात नहीं है, मगर अगर ये एक दो स्पीस भी पूरे फूड चेन में से निकल गई, देन द एंटायर फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब्ड, विच विल रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विच विल रिजल्ट इन द क्वालिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विच विल रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ क्वालिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहना उचित रहेगा। आगे अगर देखें तो थ्रेट स्टेटस हमें यहां देखना है। तो हमारे पास तीन मानक है, जिसमें जो प्रथम मानक है वो हमें सबको मालूम है कि IUCN है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्य जीवों के क्षेत्र में काम करती है, उनके बचाव के क्षेत्र में काम करती है। और एक है साइट्स, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड में जो है बाधा डालता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो इलीगल ट्रेड है उसको रोकने का, उसको खत्म करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अगर IUCN की बात करें तो इसने लेपर्ड को वल्नरेबल में रखा है, वल्नरेबल। देखिए यहाँ पूरा की पूरी हायरार्की है, यह लिस्ट कंसर्न है, यह नियरली थ्रेटन्ड है, फिर उसके बाद वल्नरेबल आते हैं, उसके बाद एंडेंजर्ड आते हैं, उसके बाद क्रिटिकली
आप कह लीजिए एंडेंजर्ड आते हैं, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट एज अ होल। ठीक है, तो यहाँ आज तेंदुए खड़े हैं, और अगर हमने अगले वर्षों में हमने इसका संरक्षण नहीं किया पूरी प्रजाति का, तो स्वाभाविक है कि यह आज वल्नरेबल जो प्रजाति है वो कल को एंडेंजर्ड बनेगी, फिर परसों वो बनेगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बाद में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये गंभीर बात है, और इसीलिए जो हमने पिछला आंकड़ा देखा कि कैसे पिछले 100-200 वर्षों में हमने तेंदुए की प्रजाति के 75-90% का जो आंकड़ा है पूरी प्रजाति का उसको हमने खत्म कर दिया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए IUCN ने आज इसको वल्नरेबल के ग्रुप में डाला है कि भाई अब इसका ध्यान रखना जरूरी है। और हमें यहाँ भी पता है कि यह तीन जो है, राइट फ्रॉम वल्नरेबल एंडेंजर्ड स्पीसीज और उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यह सब थ्रेटन्ड है, यानी कि अब इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, वरना नजदीक के भविष्य में ये खत्म हो जाएगी ये प्रजाति। फिर उसके बाद साइटिस के मुताबिक इसको अपेंडिक्स वन में रखा गया, अपेंडिक्स वन। आज हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे या इसके बारे में भी विस्तृत बात नहीं करेंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए कि यह कैटेगरीज है और किसी भी प्रजाति के ऊपर कितना खतरा है वो गिनकर यहाँ डाला जाता है। ठीक है, उसमें इसे रखा जाता है ताकि अब इसके संरक्षण की बात हो सके। तो इसने भी अपेंडिक्स वन में ही इसको डाल दिया है, जो कि एक गंभीर बात है। हमें तेंदुए के संरक्षण के क्षेत्र में हमें आगे कदम उठाने होंगे या थोड़ा अवेयर होना होगा, थोड़ा अलर्ट होना होगा। फिर अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें भारत में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो उसके तहत इट्स अ शेड्यूल वन एनिमल। ठीक है, तो ये इसका पूरा थ्रेट स्टेटस है, जिसके ऊपर से हमें देखने को मिला कि यह आज वल्नरेबिलिटी की कगार पर है, और अगर ध्यान नहीं रखा तो आगे ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। यस, देखिए यहां हमारे पास एक मैप है जो कि यह रिपोर्ट में ही प्रदर्शित हुआ है। देखिए यहां जो ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं हमें, ये फॉरेस्ट है ग्रीन, फिर ऑरेंज जो है उसके बाद वो लेपर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाते हैं, या आप कह लीजिए प्रेजेंस को दर्शाते हैं, और जो ग्रे कलर्ड है वो सैंपल्ड यूनिट को दर्शाता है, यानी कि वहां भी थोड़ी बहुत मात्रा में तेंदुए जो है वे रहते हैं। मगर जो ऑरेंज है, यहाँ जिस जहां हमें ऑरेंज पेच दिख रहे हैं, इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन, ये हमें याद रखना है। देखिए पूरे सेंट्रल प्लेन्स में, पूरे सेंट्रल प्लेन्स में दिखाई देते हैं, ईस्टर्न घाट में भी कई कई जगह पर हमें दिखाई देते हैं, फिर यहाँ कर्नाटक में, यानी कि पूरे वेस्टर्न घाट में, यहाँ महाराष्ट्र में भी थोड़ी बहुत आबादी है, यहाँ भी महाराष्ट्र ही पड़ता है। ऊपर देखें तो गंगेटिक प्लेन्स में दिखाई देते हैं, शिवालिक रेंज में भी है अलोंग विथ द बॉर्डर, यहाँ जैसे हमने जिक्र किया उत्तर प्रदेश में भी थोड़े दिखाई देते हैं, बिहार में भी है थोड़े, और यहाँ ब्रह्मपुत्र के प्लेन में भी है, यहाँ बहुत ही कम मात्रा में है, और यहाँ भी कम मात्रा में है, जो मैं यहाँ दृश्यमान नहीं है उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बहुत ही कम है। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेपर्ड थ्रू आउट द इंडिया। यस, अब देखिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जिसके तहत हमें इस पर्टिकुलर स्पीस का पूरा पूरी पूरी जो हायरार्की है वो देखने को मिलती है, राइट फ्रॉम इट्स किंगडम। तो हम लोग थरली इसको रीड करेंगे, हालांकि यह सब चीजों को याद रखना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, मगर हमें ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो किंगडम जो सबसे हायरार्की में मुख्य रहता है स्पीस हायरार्की में, वो एनिमेलिया है, यानी कि यह एक प्रकार का प्राणी है। उसके बाद उसकी जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा, इसका क्लास जो है वो है मैमेलिया, यानी कि मैमल है। ऑर्डर इट्स अ कार्निवोरस मैमल बट कार्निवोरस, यानी कि आप कह लीजिए मांसाहारी। उसके बाद सब ऑर्डर इसका फेलिफोर्मिया, उसकी फैमिली जो है वो है फेलिडी, सब फैमिली पैंथरिनाई, इट बिलोंग्स टू पैंथरा जीनस एंड इट बिलोंग टू पी पार्डस स्पीसीज।
तो दिस इज द एंटायर हायरार्की। अब अगर हमें चीते की बात करनी हो, हमें जगुआर की बात करनी हो और साथ में लेपर्ड की बात करनी हो, जो कि आमतौर पर एक ही प्रकार के दिखते हैं, एक ही प्रकार का उसका एक्सटीरियर लुक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर यह किंगडम में हम लोग नीचे उतरे तो फैमिली तक सब सेम रहता है, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो चीता हो या चाहे वो जगुआर हो। इट इज सेम, जो बाइफर्केशन होता है वो यहीं से शुरू होता है, आखिरी के तीन बिंदु में ही थोड़ा भेद रहता है, मगर पहले छह जो हेडिंग है या पहले छह जो वर्गीकरण है, वेद वर्गीकरण सेम रहते हैं इन केस ऑफ दिस थ्री एनिमल्स, दिस थ्री कैट्स। देयर आर टोटल 9 कैटेगरीज अंडर विच द बिग कैट्स आर क्लासिफाइड। इफ यू नोटिस द फर्स्ट सिक्स क्लासिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर हैव द सेम कैप्शंस फॉर ऑल द थ्री बिग कैट्स ऑन अवर लिस्ट। जो लिस्ट की बात की वो लिस्ट मैंने आपको दिया, उसमें एक लेपर्ड शामिल है, एक चीता शामिल और एक जगुआर शामिल है। द मेजर डिफरेंस इन लाइज इन द कैटेगरी विच आर सब फैमिली जीनस एंड स्पीसीज। और इसमें भी हमने देखा कि जो आखिरी के तीन मानक है वो तीन मानक में ही थोड़ा बहुत जो है भेद हमें देखने को मिलेगा, वरना किंगडम से लेकर फैमिली तक सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने यह पूरे कंटेम्प्ररी थ्रस्ट के सेशन में कई सारी बातें देखी, जिसको हमने लेपर्ड के नाम से शुरू करने का प्रयास किया पूरे सेशन को। उसके बाद आगे जो हमारा आज की जो आधारशिला थी, जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड 2020 रिपोर्ट, उसको भी देखने का प्रयास किया, उसके जो कुछ तथ्य थे, जो की फाइंडिंग्स थे, उसको भी देखा, साथ में हमारी जो भावी नीति क्या रहनी चाहिए उसके भी साथ में हमने बात कर ली। तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्ररी थ्रस्ट के सेशन में, अगले ऐसे अच्छे विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।